हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले पॉलीमर के आगे बारे में, जो आगे हमारा लेक्चर है, लेक्चर 4। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने पहले से ही कर लिया है। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, फिर टाइप ऑफ पॉलीमर क्या होता है। तो टाइप ऑफ पॉलीमर में हमने ये देखा था कि पॉलीमर को जनरली हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर। होमो मतलब जिसमें एक ही टाइप की यूनिट्स होती हैं मोनोमर की, और हेट्रो या फिर जिसको हम बोल रहे थे को पॉलीमर, उसके अंदर हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स जुड़ते थे। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स के यूनिट आपस में पॉलीमराइज करते थे और पॉलीमर फॉर्म करते थे। तो हमने ये देखा था बेटा कि जो डिफरेंट टाइप के बेसिस हैं, ठीक है, जैसे कि सिंथेसिस के बेस पे, स्ट्रक्चर के बेस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पे, ठीक है, और यहाँ तक कि एक और था क्या, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमने 4 टाइप के क्लासिफाई किए थे पॉलीमर को। तो हमने ये देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो है पॉलीमर की, कहीं पिनाइलोन 6 आ रहा है, कहीं ब्यूनाइन आ रहा है, कहीं एक्रोलोनाइट्राइल आ रहा है, कहीं टेफ्लोन आ रहा है, कहीं पॉलीथीन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, याद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है, कि मोनोमर क्या है, इसका पॉलीमर क्या है, और ये किस टाइप का पॉलीमर है, यानी कौन सा मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनता है, ठीक है, और उसमें कौन सा टाइप का पॉलीमर है, एक साथ हम यहीं पे देखने वाले। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करते हैं जैसे बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट आपको पता है कि किस टाइप का पॉलीमर है, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे कि क्रॉस लिंक्ड होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्रॉस लिंक्ड है, को पॉलीमर भी है। को पॉलीमर कैसे हुआ? क्योंकि ये दो मोनोमर से मिलकर बना है, तो एक ही पॉलीमर डिफरेंट टाइप में आ सकते हैं। तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो आज हम इसीलिए एक साथ एक जगह पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आइए। चलिए तो हम आगे बात करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि भाई मोनोमर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम मोनोमर्स की बात करने वाले हैं इधर, और इससे बनने वाला पॉलीमर क्या है उसको हम इधर लिखने वाले हैं, ठीक है। यानी मोनोमर से कौन सा पॉलीमर बनता है, ठीक है, और कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मोनोमर्स की। तो मोनोमर्स क्या होते हैं? सबसे सिंपल यूनिट होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस इनको और नहीं तोड़ सकते, सबसे सिंपल यूनिट है, और यही यूनिट आपस में जुड़ती जाती हैं और फॉर्म करेंगी पॉलीमर। यानी बहुत सारे यूनिट्स मोनोमर के जुड़ेंगे और पॉलीमर को फॉर्म करने वाले। एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं बताऊं कि जैसे हम किससे बने? सेल से। तो सेल हमारे लिए समझ लो क्या है, मोनोमर है, और पूरी बॉडी क्या हो गई है, पॉलीमर है, बहुत नंबर ऑफ सेल्स जुड़ गए। यदि हम बात करते हैं कोई दीवार की, तो दीवार में क्या होता है, बहुत सारे ईंट के पार्ट, ईंट जुड़ के बहुत सारे लंबी दीवारें बनाती हैं। तो जो ईंट है वो क्या होगा, समझ लो मोनोमर, एक सिंपल यूनिट है, और बहुत सारे ईंट यूज करके हमने वॉल बना ली, दीवार बना ली, जो कि क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। इसी तरीके से, ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जब एक मोनोमर है वो बहुत सारे यूनिट से जुड़ेगा, तो यानी बहुत सारे मोनोमर के यूनिट जुड़ेगा तो पॉलीमर यहाँ पे फॉर्म करने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, ठीक है। आपने मैक्सिमम चीजें देख ली हैं, पिछले पीछे देख चुके हैं आप, लेकिन यहाँ पे वापस मैं एक साथ बात करने वाला हूँ। तो ये क्या है, आपको पता है कि ये क्या है बेटा, इथीन है। क्या है? इथीन। तो अब इथीन है, ठीक है, इथीन से पॉलीथीन बनने वाला है, ठीक है। कैसे बनता है, ठीक है, तो आपको पता है पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होती है, पी का मतलब है पॉलीमराइजेशन, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में। यदि आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने कि जब आप जैसे इथीन है, ठीक है, इसके एन नंबर ऑफ यूनिट यूज करते हैं, एन का मतलब यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है, यानी 10 भी हो सकते हैं, 1500, 200, कितने भी यूनिट्स आप ले सकते हो। तो जब एन नंबर ऑफ यूनिट्स आप किसके लेते हैं, इथीन के लेते हैं, और उसमें पॉलीमराइजेशन कराते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो क्या फॉर्म होता है? पॉलीथीन। क्या फॉर्म होता है बेटा? पॉलीथीन फॉर्म होता है, पॉलीथीन, ठीक है, पोलीथीन। तो हमने क्या लिया, इथीन लिया, उसके अंदर जब एन नंबर ऑफ मोनोमर यूज किए तो पोलीथीन फॉर्म हुआ, और पोलीथीन के स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बॉन्ड और ये हो गया तुम्हारा नीचे एन।
एन नीचे आगे लगाने का मतलब होता है कितने नंबर हैं, लेकिन एन नीचे लगाने का मतलब होता है कि चेन बना रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं चेन बनाने में। यदि मैं यहाँ एन लगा रहा हूँ इसका मतलब मान लो 200 है, कौन, इथिन। लेकिन यदि यहाँ एन लगा रहा हूँ इसका मतलब 200 आपस में जुड़ चुके हैं, आप अलग अलग नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है, ये अलग अलग नहीं है। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है, यानी आपको देखो यहाँ डबल बॉन्ड थे, यहाँ सिंगल कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, ब्रेकेट बना दिया, तो ऐसा क्यों किया? तो बेटा जब पता है कि एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ेगा तो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और यदि बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो देखो इस कार्बन की वैलेंसी की बात करें तभी यहाँ पे दो है और यहाँ पे दो, यानी चार वैलेंसी पहले से है। यदि आपको साइड में चेन जोड़नी है इसी तरीके से, इसमें साइड में चेन जोड़नी है, तो जोड़ने के लिए जब आप बॉन्ड यूज करोगे तो फाइव फाइव वैलेंसी हो जाएगी, यानी पांच बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि एक अनबैलेंस है, हो नहीं सकता, कार्बन की वैलेंसी चार होती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो पाई बॉन्ड है ना बेटा, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, थोड़ा सा आप इस पे एनर्जी दोगे ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो उसके ब्रेक होने से एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका फ्री हो जाएगा, और वही बॉन्ड मैंने यहाँ पे बनाया ताकि नई यूनिट में जोड़ पाऊँ। क्यों? क्योंकि ये टूट जाएगा तो कितना बनेगा, दो हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड, यानी तीन तीन वैलेंसी होगी, तो मैंने इसको चौथी वैलेंसी के फॉर्म में यूज कर लिया, ठीक है। तो ये सिंगल है, ये डबल नहीं है, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। चलो तो ये बन गया तुम्हारा क्या, इथीन से पोलीथीन। अब मैंने बताया था ना कि डिफरेंट टाइप के सोर्सेस पे हमने देखा था, डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर पे, डिफरेंट टाइप के सिंथेसिस पे कि पॉलीमर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ हमें सिंपल जो हमने पढ़ा सबसे पहले कि होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सिर्फ एक मोनोमर यूज हो रहा है बेटा, डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूज नहीं हो रहे हैं, ओनली वन मोनोमर यूज हो रहा है। तो ये क्योंकि एक ही मोनोमर यूज हो रहा है इसलिए इसको जो पॉलीमर बन रहा है ये कौन सा पॉलीमर होगा बेटा, तो हम बात करें तो ये कौन सा पॉलीमर होगा, होमोपॉलीमर होगा। क्या होगा, होमोपोलीमर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक साथ बात करने वाले आज कौन कैसा है। अच्छा एक तो होमोपोलीमर हो गया ऑन, ठीक है। दूसरी चीज मैं यदि सिंथेसिस की बात करूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से बना है, तो मैंने सिंथेसिस पे दो बताए थे, एक कंडेंसेशन और एक एडिशन, एडिशन पोलीमर बताया था और कंडेंसेशन पोलीमर बताया था। एडिशन में क्या होता था, जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ता था तो कुछ एलिमिनेट नहीं होता था, ना तो वाटर होता था, ना अल्कोहल होता था, ना अमोनिया होता था, ठीक है, और जो एलिमिनेशन वाला था वो क्या था, ठीक है, सॉरी एडिशन हो गया, दूसरा क्या था अपना कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन था। तो कंडेंसेशन में क्या होता था कि एलिमिनेशन होता था, अल्कोहल का होता था, ठीक है, वाटर का होता था, अमोनिया का होता था, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमिनेशन नहीं दिख रहा आपको, यानी कुछ निकलता नहीं दिख रहा, सिर्फ बॉन्ड टूट रहे हो, आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको तुम क्या बोलोगे, एडिशन बोलोगे, ठीक है, एडिशन पॉलीमर है। तो देखो ये दूसरे बेस पे है, ये दूसरे बेस पे, ये मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लीनियर, लीनियर यानी, ठीक है, लीनियर का मतलब क्या, एक चेन बनेगी, ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ क्या मिलेगी, चेन देखने को मिलेगी, तो इसको आप लीनियर बोलोगे। ऐसे जितने भी पॉलीमर है एक साथ पढ़ सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं भैया ये किस टाइप का पॉलीमर है, ऑप्शन में आपको होमोपॉलीमर दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है एडिशन दिया है तो भी कोई बात नहीं, एडिशन भी तो है, ये भी नहीं दिया है लीनियर दिया तो लीनियर कर लो भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक ही पॉलीमर डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, आपने देखा होगा पॉलीथिन, पता नहीं जितने भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा लगभग सब में आ जाता था, क्यों आ जाता था, क्योंकि वो सबको कवर कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे पॉलीमर है जो सब अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है, तो उसे अब देखने वाले नेक्स्ट, आई होप सबको समझ में आया होगा ये। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, अब जो इसी से मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड भैया, ठीक है, क्या बोलते हैं, विनाइल और विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, तो हमने क्या किया, मैंने क्या बोला कि आपको इजी करने के लिए मैंने क्या किया, जो एक जैसन को एक साथ लिया, यहाँ पे देख रहे हो आप इथीन है, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें दो हाइड्रोजन थे, इसमें भी हमने इसका एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया। सेम कंडीशन, जब एन नंबर ऑफ क्या यूज करोगे, यूनिट यूज करोगे मोनोमर की, ठीक है, और क्या करवा दोगे, पॉलीमराइजेशन, तो वापस आपको क्या मिलने वाला बेटा, यहाँ पे CH2 एक बॉन्ड वापस ब्रेक हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था सेम है, बस अब देखना है कि हमने कौन सा मॉलिक्यूल
चेंज करके कौन सा मॉलिक्यूल यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl, और ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे यूज कर दिया हमने क्या N, तो ये क्या बन गया तुम्हारा पॉलीविनाइल। ए क्यों, क्योंकि जब N नंबर यूज किया तो बहुत सारे N चेन में जुड़ गए, तो पहले क्या था विनाइल क्लोराइड था, अब क्या हो गया पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉली विनाइल क्लोराइड क्या बन गया तुम्हारा, पॉली विनाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब सेम कंडीशन हम बात करें किस टाइप का पॉलीमर है, तो हमारे बात करने पे आओ देखते हैं। सेम ट्वेल्व पहले बताओ होमो पॉलीमर है कि को पॉलीमर है। सेम कंडीशन जो यहाँ है वही यहाँ पे है, हमने सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के सेल यूज किया है। ठीक है, लेकिन मोनोमर तो एक ही है, पूरी चेन में सिर्फ एक ही मोनोमर दिखेगा जो यहाँ पे हमने यूज किया, तो एक ही मोनोमर है, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का हो गया, होमो पॉलीमर हो गया भैया। ठीक है, सेम कंडीशन बात करो एडिशन होगा, ठीक है, कि कंडेंसेशन, तो यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं दिख रहा है, सेम कंडीशन जैसे यहाँ था, यहाँ कुछ निकलता हुआ नहीं दिख रहा, सीधे जाके एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। ठीक है, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी कोई चेन नहीं है, ब्रांच नहीं, ब्रांच का मतलब वहां पर आपस में जुड़ेंगे या फिर कार्बन होगा, यहाँ पे कोई सीएल कोई ब्रांच नहीं होती, सीएल को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ यदि आपको पता हो तो, यानी इसको मैं या करके यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस अब नीचे, चलो नीचे लिख देता हूँ, या करके मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है भाई, Cl तो उसी का है ना, वो तो हमने उसको नीचे कर दिया था। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर, क्या इसमें स्ट्रक्चर लीनियर ही है ना, एक चेन के रूप में ही बस तो है, ब्रांच वगैरह है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी लीनियर ही होगा, क्या होगा लीनियर भी ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा लीनियर पॉलीमर हो गया, तो ये भी लीनियर पॉलीमर और ये भी क्या है लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान है जब आप एक साथ पढ़ते हो, समझ के पढ़ते हो। ठीक है, रटोगे तो कैसे रट पाओगे, क्योंकि ये अलग अलग क्लासिफिकेशन में आते हैं, कब तक रटोगे, ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या करो सिर्फ दिमाग लगाओ कि क्या देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहला था तुम्हारा इथिन, दूसरा था विनाइल क्लोराइड, अब इसी से मिलता जुलता ही तीसरी बात करते हैं बेटा, तो इसी से मिलता जुलता आपके पास क्या आ जाता है। ठीक है, देखते हैं, इसी के मिलता जुलता आ जाता है CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और CN। क्या किया हमने, वापस से देखो, एक हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, Cl लगाया तो क्या हो गया विनाइल क्लोराइड हो गया, और यदि हमने Cl की जगह हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया CN, तो ये जो तुम्हारे पास मिला मोनोमर, ये है एक्राइलो नाइट्राइल, क्या कहते हैं इसको, एक्राइलो नाइट्राइल कहते हैं, तो जो कि एक टाइप का क्या है मोनोमर है। ठीक है, चलिए देखो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होने वाली है, जब एन नंबर ऑफ क्या यूज करने वाले हो आप, पॉलीमर यूज मोनोमर यूज करने वाले हो। ठीक है, तो वापस से क्या मिलने वाला है आपको, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराओगे तो वापस आपको क्या मिलने वाला है, देखो एक बॉन्ड वापस से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CN। ठीक है, और ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और यहाँ नीचे क्या जाएगा N, यानी चेन आ जाएगी। सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था Cl को, क्या किया था हमने यहाँ पे, या तो ब्रांच में कर दिया था या तो साइड में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी या तो आप उसको नीचे लिख सकते हो या तो फिर साइड में CH के साइड में भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो ये था एक्रोनाइट्राइल, तो ये क्या फॉर्म हो गया है पोली एक्राइलो नाइट्राइल, क्या फॉर्म हो गया है पोली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे ठीक है मैं यहाँ पे आपको बताता आ रहा हूँ बार बार, होमोपोलीमर एडिशन है लीनियर है, सेम कंडीशन, खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ अलग दिखा क्या, इन्हीं के जैसे है ना, तभी तो एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक जैसे ही है ना भाई, ना तो एलिमिनेशन हो रहा है तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है, ना तो ब्रांच है तो क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही टाइप का मोनोमर है तो क्या हो जाएगा, एक ही टाइप का मोनोमर है भैया, तो वापस से देखो होमोपोलीमर हो जाएगा ना एक जैसा, तो अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिंपल लिख रहा हूँ इसको, एच यानी होमोपोलीमर, एडिशन ए, और एल यानी लीनियर। ठीक है, तो सेम कंडीशन जो यहाँ हम पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे भी वही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसी से मिलता जुलता नहीं, तो मैं वो इसीलिए तो आपको इजी करने के लिए आया हूँ कि जो एक जैसे हैं उनको एक साथ पढ़ने वाले हैं। अब यदि मैं यहीं पे क्या करने वाला हूँ, देखो CH2
नहीं चलो इसको हटाते हैं, अपन देखते हैं CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब हमने क्या किया बेटा कि हमने चारों हाइड्रोजन हटा दिए हैं, ठीक है, पहले एक एक हटा रहे थे, अब हमने चारों हाइड्रोजन हटा के दोनों की जगह इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे, दोनों कार्बन पे हमने क्या किया, फ्लोरीन को लेके आए यानी F2 को लेके आए, ठीक है। तो यदि हमने CF2 डबल बॉन्ड CF2 लेके आए और N नंबर ऑफ क्या यूज किया बेटा, यहाँ पर भी हमने N नंबर ऑफ क्या यूज करेंगे, मोनोमर, ठीक है, और पोलीमराइजेशन की रिएक्शन करवा देंगे। तो जैसे ही पोलीमराइजेशन की रिएक्शन कराओगे क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले इसका नाम पता होना चाहिए, चार क्या है फ्लोरीन, तो क्या नाम होगा इसका, टेट्रा फ्लोरो, जो एफ होता है उसको नामकरण में हम फ्लोरो यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा टेट्रा फ्लोरो, चार दो दो, तो दो दो कितने हो गए चार, यानी फ्लोरीन कितने हैं चार, तो फ्लोरो कितने हैं चार, क्योंकि जब हम आयु नामकरण करते हैं इनका तो हम IUPAC नामकरण करते हैं, तो एफ को फ्लोरो, सीएल को क्लोरो, आई को आइडो, बीआर को ब्रोमो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया टेट्रा फ्लोरो, कितने कार्बन है, दो कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो क्या हो गया टेट्रा फ्लोरो इथीन, क्या हो गया टेट्रा फ्लोरो इथीन। जब पोलीमराइजेशन करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या होने वाला, CF2 सिंगल बॉन्ड, CF2 सिंगल बॉन्ड यहाँ से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, यानी जितने मॉलिक्यूल यूज करोगे उतनी लंबी चेन बनने वाली है, और ये इसका नाम क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या था टेट्रा फ्लोरो इथीन था, यहाँ पे बहुत सारे हैं तो आपस से यहाँ क्या यूज करोगे, पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, तो क्या बन गया तुम्हारा, पोली टेट्रा फ्लोरो इथीन, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है टेफ्लोन, ठीक है, तो भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो जनरली आते ही हैं लेकिन इस टेफ्लोन के नाम से फेमस है, ठीक है, और ये टेफ्लोन के नाम से ही आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है, टेफ्लोन, ठीक है। किस टाइप का पॉलीमर है देख लो, इसमें क्या किया तुमने, सिर्फ तो हाइड्रोजन चेंज किया है, तो क्या हो जाएगा सेम कंडीशन, क्या हो जाएगा, होमोपोलीमर ही होगा, ठीक है, एडिशन ही होगा और लीनियर ही होगा। यदि आपके अंदर कोई डाउट है तो आप मुझसे बाद में ही पूछ सकते हो, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि सेम ही कंडीशन है, ठीक है, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया होमोपोलीमर है ये है, क्योंकि यहाँ पे भी ना तो एलिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, ना तो डिफरेंट टाइप के मोनोमर है, और संरचना भी उनकी सीधी है, तो तीनों कंडीशन हमने बता दी यहाँ पे, ठीक है। चलिए यदि हम आगे बढ़े, ठीक है, यानी फिफ्थ पे आते हैं, तो फिफ्थ में अब क्या देखने को मिल रहा है बेटा, अब हमने क्या किया है, यहाँ पर जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम बार बार देखते आ रहे हैं, जो ये था इथिन में ही, तो हम सब क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं और नया पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटाया और एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर बेटा, हमने यूज कर लिया यहाँ पर बेंजीन, क्या यूज कर लिया है, बेंजीन यूज कर लिया है, और एन नंबर ऑफ यदि हम क्या ले लेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर ले लेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो इस वाले स्ट्रक्चर नाम है बेटा सिस्टीन, क्या नाम है सिस्टीन, याद रखना सिस्टीन, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ मोनोमर लोगे और पॉलीमराइजेशन की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा सेम कंडीशन, कुछ लोगों को दिक्कत होती है तो प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट करना। देखो यहाँ पे क्या है, लोगों को कभी कभी बेंजीन की बॉन्ड तोड़ देते हैं, उसको ओपन करके ऐसे लिख देते हैं, भाई बेंजीन को उन्होंने क्या ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, और क्या करते हैं यहाँ बॉन्ड तोड़ के चेन बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, जो अभी करते हैं कुछ नया नहीं करना, जहाँ यही बॉन्ड तोड़ रहे थे हम यही तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हुआ, यहाँ पर एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे भी, तो ये वैलेंसी इधर खाली हो गई, इधर भी एक वैलेंसी, क्योंकि डबल बॉन्ड था तो इधर, अब ये यहीं जुड़ेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, जहां था वहीं रहेगा, उसको कहीं भगाना नहीं है, तो बेंजीन ऐसा ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ये, और यहाँ एन लगा देंगे जो करते आए हैं, तो ये क्या था सिस्टीन, ये क्या हो गया पोली सिस्टीन, पोली सिस्टीन। तो भैया हमने कुछ नहीं किया है, देख लो चाहे तो, ये सिस्टीन था, बार बार यूज कर लिया, यानी एन नंबर ऑफ, तो पोली सिस्टीन हो गया, सिस्टीन का स्ट्रक्चर क्या है तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे तो हमारा है सिक्स नंबर पे, हम बात करते हैं, तो सिक्स नंबर पे हम पहली बात कर रहे हैं जो पॉलीमर है तुम्हारा नेचुरल रबर, ठीक है, नेचुरल रबर, आई होप सबको पता होगा नेचुरल रबर के बारे में, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि यदि हम सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी की बात पे देखेंगे तो ये हमें नेचर में मिलता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल रबर कहते हैं, ठीक है। ये पॉलीमर नेचुरल रबर पॉलीमर, इसका मोनोमर क्या होता है, इसका मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CCH3 सिंगल बॉन्ड
सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसका? ये पॉलीमर, ध्यान रखना नेचुरल रबर पॉलीमर है, जो कि किससे बनता है, इससे बनता है। इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका। इसका नाम है आइसोप्रीन। इसका नाम क्या बेटा? आइसोप्रीन इसका नाम है। ठीक है, आइसोप्रीन नाम है इसका नाम। आईयूपीएसी नाम की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ फोर आएगा। जिसको नामकरण नहीं आता कोई बात नहीं, अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अपन 12th में भी एक बार बता देंगे आगे। ठीक है, चल तो क्या है, वन टू, टू पे क्या दिख रहा है आपको? टू पे क्या दिख रहा है? मिथाइल। क्या दिख रहा है? मिथाइल। तो टू मिथाइल कितने कार्बन बेटा? चार। तो टू मिथाइल ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट पे और थर्ड पे क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट थर्ड क्या हो जाएगा? डाई इन, यानी इन कितने हैं? दो हैं। तो टू मिथाइल ब्यूट वन थ्री डाई इन। लेकिन कभी कभी ये आपको ऐसा देखने को मिलेगा, टू मिथाइल ठीक है ब्यूट, ठीक है, ऐसा कभी कभी मिलेगा क्या? वन थ्री ब्यूट डाई इन। तो कोई इशू नहीं है बेटा, या तो वन थ्री को आगे लिख लो या तो वन थ्री को बीच में लिख लो, और कभी कभी तो इसके पीछे लिख सकते हो। कैसे? टू मिथाइल ब्यूट डाई इन वन और थ्री, तो भी सही है। ठीक है, वो हमें तो पोजीशन बता रहे कि वन और थ्री पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आइसोप्रीन। ठीक है, इसका आईपीसी नाम हो गया, याद रखना है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, नेचुरल रबर। अब ये किस टाइप का पॉलीमर है? तो सबसे पहले हमने बात करेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा किस टाइप का? नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। क्यों नेचुरल है? क्योंकि प्रकृति में मिल रहा, दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ किस पे है बेटा ये? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पे है, तो नेचुरल है। ठीक है, फिर यदि हम और बात करते हैं नेचुरल रबर की, और किस टाइप का? तो ये क्या होगा? होमोपोलीमर है, क्योंकि ये भी एक ही जैसा है। होमोपोलीमर है ये भी। होमोपोलीमर इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें यही मोनोमर यूज होगा सिर्फ। ये मोनोमर है, ये पोलीमर है। ठीक है, तो ये जो मोनोमर है, ठीक है, इस सिर्फ एक ही मोनोमर यूज होता है इसको बनाने में, इसलिए भी ये क्या है? होमो है। ठीक है, दूसरी चीज बात करेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? हाँ, स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेस पे बात करेंगे कि लीनियर होगा क्या होगा। तो ये भी कैसा होगा? लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर क्यों होगा? क्योंकि इसमें भी एक ऐसी सीधी चेन जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो नई चेन बनेगी ना बेटा, ये बॉन्ड को टूटने से एक एक बॉन्ड फ्री होंगे इसके, और लंबी चेन ऐसे जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। ठीक है, इसलिए भी क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, चलो तो ज्यादा मायने नहीं, बस आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सेवन की बात करें, सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर देखते हैं क्या है। सिंथेटिक रबर भी क्या है बेटा? पॉलीमर है। सिंथेटिक रबर भी क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, अब पॉलीमर है तो इसका मोनोमर क्या है? इसकी मोनोमर की स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ यहाँ पे, सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एल सिंगल बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड सी एच टू। क्या कि आपको दिख रहा होगा कि हमने सी एच थ्री को हटाया है और क्या यूज किया है? सी एल यूज किया है। तो सी एल के यूज करने से देखो ये थोड़ा अलग हो गया, नया हो गया, तो उसके लिए याद कर सकते हो इसका नाम क्या हो गया है? नियो। नया, नियो मतलब समझ लो नया, तो नियो प्रिन। लेकिन बेटा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऐसा इसके सी एल लगाने से नया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नया नियो प्रिन नाम दे दिया। हम सिर्फ याद करने के लिए आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें कुछ नया दिख रहा है ना, तो इसका नाम याद रख लेना, नियो प्रिन है। ठीक है, तो इसे नियो प्रिन कहते हैं, इसे आइसो प्रिन कहते हैं। और आईपीसी नाम करने जब जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? टू क्लोरो। क्लोरो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या यूज किया तुमने? सीएल। तो क्या बन जाएगा? टू क्लोरो, टू टू क्लोरो ठीक है, वन और थ्री ब्यूट डाई इन, यानी वन थ्री पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो हम क्या बोल रहे हैं? वन थ्री ब्यूट डाई इन। ठीक है, चलिए इसका नाम आप और बना सकते हो, या करके ये पोजीशन चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसे बात करें टाइप क्या है, तो टाइप सेम है, ये क्या है? सिंथेटिक है भैया, तो नेचुरल की जगह क्या हो जाएगा? सिंथेटिक, क्योंकि हमने बनाया है। ठीक है, सिंथेटिक बताया था आपको, ऑन द सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी पे तीन थे, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक और नेचुरल, तो ये क्या है? सिंथेटिक हमने बनाया। ठीक है, ये भी क्या है? होमोपोलीमर है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है? एक ही
मोनोमर, ये मोनोमर है, ये पॉलीमर का नाम है बेटा, ठीक है। पॉलीमर कैसे बनाओगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे और ऐसे ऐसे चेन बना के ऐसा कर दोगे, ठीक है, तो बन जाएगा, ठीक है। मैं उससे बना नहीं रहा हूँ, कितनी बार तो बना के बता दिया, ठीक है। तो ये मोनोमर है, ठीक है, जिसका नाम नियोप्रीन है, ठीक है, या 2-क्लोरो-1-3-डाइन है, ब्यूटाडाइन है, ठीक है, होमोपोलीमर। और ये भी क्या होगा, लीनियर ही होगा, ये भी लीनियर होगा और ये भी लीनियर होगा, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ब्यूनाइन क्या होता है, ब्यूनाइस क्या होता है, वो भी इन्हीं के जैसे होता है, ठीक है। तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप इसे देखिए, वॉच कीजिए प्रॉपरली, और क्या करना है, लाइक करना है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना है, और लोग जितना ज़्यादा लोगों को हो सके शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।